अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ में शकरपारे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी, झटपट और बड़े आसान तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक बॉल, इसमें हम ऐड करेंगे एक कप शक्कर और एक कप गरम दूध। ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर दूध में अच्छे से घुल जाए। देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब हम इसमें ऐड करते हैं हाफ कप देसी घी, हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर, ये भी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 4 कप मैदा, तो हम एक एक कप ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर 1 कप हो गया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 2 कप, थोड़ा थोड़ा करके हम 4 कप ऐड करेंगे और ये है 3 कप। इसे अच्छे से हाथों से गूंद लेंगे और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून नमक। मैं नमक पहले ऐड करना भूल गई थी और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे 1 कप मैदा डालकर। टोटल हमने 4 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो देखिए हमारा आटे का डो बनकर तैयार है। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक आटा सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए 20 मिनट हो गए हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएंगे। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करते हैं और इस तरह से हम पेड़ा रखेंगे और इसे बेल लेंगे। देखिए इस तरह से थिकनेस रखेंगे, थोड़ा मोटा ही रखना है। और अब हम इसे कट लगाएंगे। आप यहाँ पर चौकोन शेप में भी कट कर सकते हैं, मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ छोटे छोटे। तो इस तरह से हमारे डायमंड शेप में शकरपारे बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप। अब हम हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो करके इसे हम इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे और इसे लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से, और 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करते हैं और इसे अलट पलट कर 12 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए ये 10 से 12 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कलर आया है। और इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। और हम इसी तरह से दूसरे भी शकरपारे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स, हमारे बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही डिलीशियस शकरपारे की रेसिपी बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ ये कितने क्रंची बने हैं। ये बहुत ही अंदर तक कुक हुए हैं और बहुत ही खस्ता हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी शकरपारे की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे दिवाली में ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।